दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। धरती पर कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अनोखे गांव के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आज तक वहां जो भी गया है वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। इस रहस्यमयी गांव को मुर्दों का शहर भी कहते हैं। दोस्तों, पांच पहाड़ों के बीच छिपी ये पहाड़ी पत्थर की बनी छोटी छोटी सफेद झोपड़ियों से ढकी है। इन झोपड़ी नुमा ढांचों की गिनती करना भी मुश्किल है। इनमें स्थानीय लोगों ने अपने परिजनों के शव दफनाए थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रूस के उत्तरी ओसेटिया के सुदूर वीरान इलाके में स्थित दरगावस गांव की। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि खूबसूरत दिखने वाली चीज खतरनाक भी हो सकती है। ऐसा ही कुछ इस जगह के साथ भी है। देखने पर मन को मोह लेने वाली ये जगह वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी कोई जल्दी से यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। और जाए भी तो कैसे इस मुर्दों के शहर में, जहाँ रहती हैं तो सिर्फ लाशें। बाहर से खूबसूरत दिखने वाली इस जगह को सिटी ऑफ द डेड यानी मुर्दों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह पांच ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपी हुई है। यहाँ पर सफेद पत्थरों से बनी अनगिनत तहखाना नुमा इमारतें हैं। इनमें से कुछ तो चार मंजिला ऊंची भी हैं। हर इमारत की प्रत्येक मंजिल में लोगों के शव दफनाए हुए हैं। जो इमारत जितनी ऊंची है उसमें उतने ज्यादा शव हैं। इस तरह से हर मकान एक कब्र है और हर कब्र में अनेक लोगों के शव दफनाए हुए हैं। ये सभी कब्र तकरीबन 16वीं शताब्दी से संबंधित हैं। यहाँ तकरीबन 99 इमारतें हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जगह 16वीं शताब्दी का एक विशाल कब्रिस्तान है, जहाँ पर आज भी उस समय से संबंधित लोगों के शव दफन हैं। हर इमारत एक परिवार विशेष से संबंधित है, जिसमें केवल उसी परिवार के सदस्यों को दफनाया गया है। इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों की तरह तरह की मान्यताएं भी हैं। लोगों का मानना है कि पहाड़ियों पर मौजूद इन इमारतों पर जाने वाला लौटकर नहीं आता। शायद इसी सोच के चलते यहाँ मुश्किल से ही कभी कोई टूरिस्ट पहुँचता है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी आसान नहीं है। पहाड़ियों के बीच से सकरे रास्ते से होकर यहाँ तक पहुँचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ का मौसम भी सफर में एक बहुत बड़ी रुकावट है। यहाँ के बारे में वैसे तो और भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। लोगों का मानना है कि 18वीं सदी में यहाँ रहने वाले लोग अपने परिवार के बीमार सदस्यों को इन घरों में रखते थे। उन्हें यहीं पर खाना तथा और दूसरी जरूरी चीजें देते थे, लेकिन उनकी मृत्यु होने तक उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। ये जगह रहस्यमयी तो है ही, साथ ही रोमांचक भी है। इसीलिए टूरिस्ट के अलावा वैज्ञानिकों की भी इसमें खास रुचि बनी रहती है, ये जानने की कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था। इस जगह में वैज्ञानिकों की बहुत रुचि रही है और उन्होंने इस जगह को लेकर कुछ असामान्य खोजें भी की हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ कब्रों के पास नावें मिली। उनका कहना है कि यहाँ शवों को लकड़ी के ढांचे में दफनाया गया था, जिसका आकार नाव जैसा था। हालांकि ये अभी रहस्य ही बना हुआ है कि आसपास नदी मौजूद ना होने के बावजूद यहाँ तक नाव कैसे पहुँची। नाव के पीछे मान्यता है कि आत्मा को स्वर्ग तक पहुँचाने के लिए नदी पार करनी होती है, इसीलिए उसे नाव पर रखकर दफनाया जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों को हर तहखाने के सामने कुआं भी मिला। इन कुओं को लेकर ये कहा जाता है कि अपने परिजनों के शवों को दफनाने के बाद लोग कुएं में सिक्के फेंकते थे। अगर सिक्का तल में मौजूद पत्थर से टकराता तो इसका मतलब ये होता था कि आत्मा स्वर्ग तक पहुँच गई।